दोस्तों नमस्कार। आज विशेष कार्यक्रम में मैं राजगोपाल सिंह आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों इस खूबसूरत और जानकारी से भरे कार्यक्रम में मुझे अपना शो प्रेजेंट करने का मौका मिला है, जिसमें आप फिल्मी जगत से जुड़े किसी भी क्षेत्र के कलाकार, जैसे एक्टर, एक्ट्रेसेस, निदेशक, डांस डायरेक्टर, गीतकार, संगीतकार, कॉमेडियन, विलेन, किसी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मित्रों, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन बॉलीवुड की यादों के साथ चलना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कुछ सोशल मीडिया से, कुछ लेखों से और कुछ अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर आज का विशेष कार्यक्रम में हाजिर हुआ। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देश की जानी मानी हस्ती, कवि, गीतकार एवं शायर, जिनका ये गीत कुछ इस प्रकार से है। आप भी सुनिए और अंदाजा लगाइए कि आज किस महान फिल्मी हस्ती के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, मिट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जी हाँ दोस्तों, ये नायाब पंथियां महान शिक्षक, कवि, साहित्यकार, अजीम शायर और अमर फिल्मी गीतों के रचयिता महान कवि नीरज की है। नीरज, जिनका पूरा नाम गोपालदास सक्सेना था, इनका जन्म इटावा के पुरावली गांव में 4 जनवरी सन 1925 को हुआ। बचपन में ही इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया और बचपन कुछ गरीबी में ही गुजरा, लेकिन गरीबी को इन्होंने शिक्षा के आड़े कभी नहीं आने दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। साथ साथ बचपन से ही इनमें कविता लिखने का भी बहुत लगन था और लिखते भी रहे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की और उसके बाद एक जगह एक कार्यालय में इन्होंने टाइपिस्ट की नौकरी की। नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एमए तक की पढ़ाई पूरी की। 50 के दशक आते आते ये कवि सम्मेलनों की जान हो गए थे। कोई भी कवि सम्मेलन इनके बिना अधूरी रहती थी। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इनकी रचना की बहुत प्रसिद्धि थी और जहां भी जाते उस कवि सम्मेलन में महफिल लूट लेते। तो दोस्तों, आज मैं नीरज जी के फिल्मी कैरियर के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ। नीरज जी का फिल्मी करियर लगभग 8 का रहा, लेकिन बेहद कामयाब रहा। उन्होंने जो भी गीत लिखे वो अमर हो गए। अब सवाल उठता है कि फिल्मी करियर की शुरुआत हुई कैसे।
वो तो कभी सम्मेलनों में व्यस्त थे और देश विदेश में उनकी बहुत मांग थी। तो हुआ यूं दोस्तों कि सन 1953 में राज कपूर के पिता श्री पृथ्वीराज कपूर अपना थिएटर लेके कानपुर गए थे और जब उन्होंने नीरज के बारे में सुना तो उधर सुनने गए उन्हें और उन्हें घंटों सुना और उसके बाद उन्हें मुंबई आने का ऑफर दिया, लेकिन उस समय बात हंसी में टाल दी गई। सन 1955 में देवानंद से जब उनकी मुलाकात हुई तो देवानंद ने कहा कि आपको जब भी फिल्मों में गीत लिखना हो या फिल्मों में काम करना हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। इस बीच 1960 की बात है जब बंबई में कवि मनहर के घर नीरज जो है गए थे और वहां एक युवक आया, उनके पैर छुए और उन्होंने कहा कि मैं आपका अलीगढ़ का शिष्य हूं, तो बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि मैं आपके कविताओं पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं, खासतौर से कारवां गुजर गया। दोस्तों ये थे मशहूर निर्माता निर्देशक आर चंद्रा, जिनकी फिल्म बरसात की एक रात पहले आ चुकी थी। नीरज ने कहा कि मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने गीतों का एक संग्रह इनको दिया और कहा कि आप देख लो इसको। उन्होंने आर चंद्रा ने इनकी गीतों पे काम करना शुरू किया और एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था नई उम्र की नई फसल। फिल्म नई उम्र की नई फसल बनने में देरी हो रही थी। इस बीच नीरज जी के लिखे गीतों का एक फिल्म जिसका नाम था चा 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 1964 में रिलीज हुई और फिल्म और गीत दोनों हिट हुए। इसका एक गाना बहुत ही मशहूर है, सुबह नाई शाम नाई, सुबह नाई शाम नाई, जब तक तेरी याद न आई, याद न आई, सुबह न आई शाम न आई। और फिर 1965 में रिलीज हुई नई उम्र की नई फसल जो बेहद हिट रही, उसके गाने भी बहुत मकबूल हुए और उसका ये गाना कि देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम। उसके बाद तो आप समझिए कि फिल्मों की झड़ी लग गई और एक के बाद एक फिल्म जिसमें नीरज जी ने गाने लिखे वो हिट होते चले गए। नीरज जी जब देवानंद से मिले तो उस समय देवानंद प्रेम पुजारी फिल्म बना रहे थे और उसमें संगीत दे रहे थे सचिन देव बर्मन जी। देवानंद ने नीरज से कहा कि अगर सचिन दा आपके गानों को मंजूर कर लेते हैं तो गाना लिखने का काम आपको मिल जाएगा। देवानंद
नीरज जी को लेके सचिन दा के पास पहुंचे और सचिन दा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि गाना रंगीला रेस से शुरू होना चाहिए और इस गीत में वो सभी धाव जो किसी स्त्री के जलन के, दर्द के, प्यार के प्रदर्शित होने चाहिए। नीरज जी होटल में आ गए, रात भर उन्होंने गीत लिखे और सवेरे जब देवानंद को सुनाया तो देवानंद को बहुत पसंद आया। वो तुरंत इन्हें लेके सचिन दा के पास पहुंचे और सचिन दा ने भी इस गीत को बहुत पसंद किया। आपको मालूम है ये गीत कौन सा है? रंगीला रे तेरे रंग में यू रंगा है मेरा मन, चलिया रे न बुझे है किसी जल से। जल शराब, आपने देखा होगा गाने में शराब की बोतल लेते हीरोइन गाना गा रही है, न बुझे है किसी जल से ये जलन, रंगीला रे। और इसी फिल्म का दूसरा गाना जो प्रेम की परिभाषा सी बन गई और हर नौजवान के दिल के लबों पे तैरने लगी, वो गाना कभी भूलने वाला है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शवा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, अरे होगा वो नशा जो तैयार वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए। और फिर शर्मिली का वो गाना, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आओ ना तड़पाओ ना, आओ ना तड़पाओ ना। और शर्मिली का ही वो गाना, आज मद होश हुआ जाए रे तेरा मन मेरा मन मेरा मन, आज मद होश हुआ जाए रे तेरा मन तेरा मन तेरा मन। सारे गाने एक से एक, रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो, ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं सवेरा। इसके बाद जितने गाने, खासतौर से जो 1970 और 1971 में सबसे ज्यादा, 1971 में इनके फिल्म आए, तकरीबन 10 फिल्में रिलीज हुई 1971 में और सभी के गाने हिट रहे। इनके 3 गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, जिसमें पहला गाना था चंदा और बिजली फिल्म का, 1967 की फिल्म थी, काल का पहिया घूमे रे भैया, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले लेके कभी बारात चले कभी लेके सामान चले, इसके लिए इन्हें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। और 1971 की ही फिल्म थी पहचान, उसका ये गाना, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में
कोई अकेले में मुस्कुरा के भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। इस गाने के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और तीसरा गाना मेरा नाम जोकर का, और वो गाना था एक भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई। और एक से एक गाने इतने छोटे कार्यक्रम में सबको समेटना मुश्किल है, फिर भी मैंने प्रयास किया कि कुछ गाने जो सुपरहिट है उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करूं। उन्होंने सचिन दा, शंकर जयकिशन और देवानंद साथ मिलके एक से एक फिल्मों के लिए गीत लिखे, रेशमा और शेरा के लिए, जब से लगन लगाई रे रात भर नींद ना आई रे, कितने गाने गिनाओ। समय कम है लेकिन उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं बताता हूं कि क्यों उनका मोह भंग हुआ माया नगरी से। वो सचिन दा और शंकर जयकिशन के जयकिशन से बहुत प्यार करते थे। दोनों के गुजरने के बाद उनका दिल टूट सा गया और वो वापस अलीगढ़ लौटा है। देवानंद ने मिलके उनसे जिद किया कि उनकी फिल्म के लिए कुछ गाने लिखे, तो उनकी फिल्म चार शीट के लिए उन्होंने अंतिम गाना लिखा, मेरा इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू। सुनिएगा इस गाने को, बहुत ही प्यारा गाना है, लोगों के लिए नसीहत भी है नीरज जी की तरफ से। बंबई से जरूर चले गए लेकिन कवि सम्मेलन का दौर उनका बावस्ता जारी रहा और अंतिम समय तक वो कवि सम्मेलन में जाते रहे, कविताएं लिखते रहे। 19 जुलाई 2018 को गोपाल दास सक्सेना नीरज ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वो तो चले गए लेकिन उनके सभी फिल्मी गीत आज भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था आपको उनके बारे में बताने का, कुछ उनके फिल्मी कैरियर के बारे में बताने के लिए। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसी तरीके के कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो पद्मिनी आर्ट एंड मोशन का नंबर जो नीचे दिया जा रहा है इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं तहे दिल से पद्मिनी आर्ट एंड मोशन का और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये मौका दिया मुझे, और खास तौर से अनुदा का जिन्होंने मुझे गाइड किया। और साथ ही धन्यवाद दूंगा सिद्धार्थ सिंह जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की। और इसी के साथ आज विशेष कार्यक्रम का मैं समापन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।
धन्यवाद पेशेंस से सुनने के लिए। नमस्कार।